हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट किया था। उसके बारे में हमने डेफिनेशंस देखे थे एंड उसके बारे में हमने देखा था कि कौन कौन से उसके प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फैमिली प्लानिंग सबसे पहले इंडिया ने स्टार्ट की थी 1951 एंड देन उसके बारे में अपने देखा था RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में, जिसकी वजह से फिर हमने देखा था पॉपुलेशन के अंदर क्या इंक्रीमेंट आया RCH की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। अब बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, वो डे बाय डे जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, वो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और एक स्मॉल स्मॉल फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करने वाले, अब क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लोग कब लेंगे? एक तो होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए एंड नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, एंड इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और किसी कोइटस में किसी तरह का कोई इंटरप्शन ना हो। तो अगर ये सारे रीजंस होते हैं तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फोर कैटेगरीज के अंदर मैं पहले डिवाइड करने जा रहा हूँ। द नंबर वन इज़ द, यहाँ पे हम फोर मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है नेचुरल मेथड, ठीक है, एंड सेकेंड मेथड है उसे हम बोलते हैं बेटा बैरियर मेथड, एंड थर्ड जो मेथड है उसे हम बोलते हैं क्या, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, एंड फोर्थ एंड लास्ट जो मेथड है उसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल मेथड, इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम लेते हुए चलेंगे और स्टार्ट करते हैं कि इन चार तरीकों से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से अब अपन बात करते हैं बेटा। सबसे पहले नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या हो सकता है, थिंक अबाउट नेचुरल मेथड क्या होगा। देखो, कोइटस होगा, स्पर्म एंटर करेगा, ओवम रिलीज होगा, फ्यूजन होगा। अब इस प्रिवेंशन को, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, भाई सिंपल है। अगर आपने ये प्रिवेंट कर लिया तो सीधी सी बात है, जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो बेबी फॉर्म नहीं होगा, न्यू चाइल्ड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कोइटस के ड्यूरेशन में ताकि बेबी प्रोड्यूस ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हो। हाउ कैन वी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय नेचुरल मेथड। नंबर वन इज द कोइटस इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन, इंटरप्शन या विड्रो, पेनिस बिफोर इंसेमिनेशन। सबसे पहला मेथड तो हमें यही लगता है, पर ये सेफ नहीं है। इतने सारे मेथड सर अलग अलग क्यों बता रहे हो, सबसे सेफ कौन सा, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कोइटस को आप इंटरप्ट कर सकते हैं। कोइटस इंटरप्शन क्या होता है, जब भी आप कोइटस कर रहे हैं, कोइटस के टाइम में, एट द टाइम ऑफ स्पर्म इजेकुलेशन, जब भी स्पर्म इजेकुलेट होते हैं उसी समय आप क्या कर लें, बाहर अपने पेनिस को आउटसाइड में इंसर्ट कर लें, बाहर निकाल लें। तो उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का, तो जायगोट नहीं बनेगा। अब पर ये सेफ नहीं है, कुछ सेल्स, कुछ स्पर्म्स मान लो कि गलती से चला गया, अपने का 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये मेथड भी प्योरली सेफ नहीं है। सेकेंड वन इज द मेंस्ट्रुअल एब्सेंस, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल एब्सेंस, मेंस्ट्रुअल एब्सेंस पीरियड,
एब्सेंस टाइम, एब्सेंस पीरियड, या हम बोल सकते हैं जो सेफ पीरियड, सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल सकते हैं, सबसे बेटर ये रहेगा, सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो 10 टू 17 डेज का पीरियड है, अवॉइड 10 टू 17 डेज पीरियड, अवॉइड 10 टू 17 डेज, 10 टू 17 डेज का जो ये 7 डेज का पीरियड है, 10 टू 17, अगर 1 टू 29 की साइकिल है तो ये 10 से लेकर 17 दिन का ये जो पीरियड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, इसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. क्यों? क्योंकि 11 को क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे, तो उससे पहले अगर स्पर्म पहुंच गया और स्पर्म की लाइफ होती है, तो स्पर्म अगर मान लो वहां लाइव बच जाता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं. देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने देखा था कि सेफ पीरियड होता है जिस टाइम पे कोपुलेशन होता है, जिस टाइम पे फर्टाइल पीरियड होता है, 11 टू 17 डेज का ये जो पीरियड है जिसमें हम फर्टाइल बोलते हैं, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन एग रिलीज होता है वो रिस्की होता है 7 डेज का पीरियड. उसके अलावा अगर और कोई भी टाइम है तो उसमें हम कर सकते हैं कोइटस, तो ये भी एक मेथड है, पर ये भी 100% नहीं है. मान लो साइकिल डिस्टर्ब हो गई एट एनी हाउ, कैसे भी साइकिल मान लो डिस्टर्ब हो गई, तो इसमें भी क्या है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नेक्स्ट वन इज द थर्ड मेथड, कौन सा होगा बेटा, लैक्टेशनल अमिनोरिया, लैक्टेशनल लैक्टेशन अमिनोरिया, अमिनोरिया. ये क्या होता है लैक्टेशनल अमिनोरिया, देखो जैसे ही बेबी बर्थ होता है, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, फर्स्ट चाइल्ड होने के जस्ट कुछ टाइम बाद तक क्या होता रहता है, कुछ टाइम तक क्या होगा कि LH और FSH को प्रोलैक्टिन जो है वो ब्लॉक करके रखता है, उसका सीक्रीशन नहीं होने देता. मदर क्या करती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, और उस ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो पीरियड होता है लैक्टेशनल अमिनोरिया, ब्रेस्ट फीडिंग वाला 6 मंथ का पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, 6 मंथ पीरियड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ, ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ, ये वाला पीरियड होता है, ये क्या होता है बेटा, सेफ होता है. इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, लैक्टेशनल अमिनोरिया के अंदर क्या होता है कि जब भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती होती है, जिस टाइम पे मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स का पीरियड प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद में, उस टाइम में हम कोइटस कर सकते हैं, बट ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है. तो हमारे पास में बेटा 3 मेथड हमने देखे हैं, पहला है कोइटस इंटरप्शन, विड्रॉल पेनिस बिफोर इंसेमिनेशन, सेकंड वन इज द सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंसुरेशन, अवॉइड 10 टू 17 डेज, जो 10 टू 17 डेज के बीच का पीरियड है, ये जो टाइम इंटरवेल है इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं, बट ये 100% सेफ नहीं है. ये क्या है, 100% सेफ नहीं है. तो इसको बेटा एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, बैरियर मेथड्स के ऊपर. हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया. अब हमारा जो अगला मेथड है वो है बैरियर मेथड. यहाँ पे 3 मेथड हमने देखे हैं नेचुरल मेथड के अंदर, कोइटस इंटरप्शन या विड्रॉ पेनिस बिफोर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन होने से पहले अपन पेनिस को विड्रॉ कर लें. नेक्स्ट वन इज़ द सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था सेफ पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर उस ड्यूरेशन को छोड़ के, मतलब एक जो बैड ड्यूरेशन है 10 टू 17 ओव्यूलेशन के टाइम को छोड़कर, अगर अपन अदर डेज में करते हैं तो भी सेफ है. सेफ पीरियड के अंदर अवॉइड करना है हमें 10 टू 17 डेज. ठीक है, लैक्टेशन अमिनोरिया ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जो प्रेगनेंसी के बाद में, फर्स्ट प्रेगनेंसी के जस्ट आफ्टर क्या होता है, लैक्टेशन अमिनोरिया बोलते हैं, जिससे हम जहाँ पे जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है बेबी को, तो उस ड्यूरेशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कोइटस कर सकते हैं. उस ड्यूरेशन में होता क्या है, जनरली प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है LH और FSH को, GnRH जो है उनको इनहिबिट करके रखता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है उस टाइम पे, तो उस समय भी हम कर सकते हैं. अब अपन आते हैं बेटा हमारे अगले मेथड के ऊपर, जो मेथड है बैरियर मेथड.
बैरियर मेथड कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो चलो हम बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में, बैरियर मेथड के बारे में, बैरियर मेथड। चलो भाई चलो, ये हैं बैरियर मेथड, ये क्या करेंगे, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन कैसे प्रिवेंट करते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वन इज द कॉन्डोम्स, ओके। नेक्स्ट वन डाया, PH, RAGM, डायाफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये भी प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, नॉट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ, नॉट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं बैरियर मेथड्स। कैसे करते हैं, तो इनके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास में, ये इतने सारे, सबसे पहले मेथड की हम बात करने वाले हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स जो होते हैं कुछ रबड़ के होते हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं, रबड़ या लेटेक्स, मेड अप ऑफ रबर, लेटेक्स, इससे मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, सपोज ये बेटा फीमेल की, ये फीमेल पार्ट में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, यूट्रस वाला और ये वेजाइना वाला पार्ट। तो जैसे ही यहाँ पे पेनिस इंसर्ट करते हैं, अब ये दोनों के होते हैं, ये मेल्स में भी होते, मेल कॉन्डोम्स भी होते हैं, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फेमीडोम्स, फेमीडोम्स, ठीक है, इन्हें हम फेमीडोम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इन दोनों के अंदर होते हैं, पहले अपन मेल कॉन्डोम की बात करते हैं, निरोध, एग्जाम्पल भी दे रखा है, निरोध जो मेल कॉन्डोम है उसका नाम है निरोध, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ड्यूरिंग कोइटस, यहाँ पे कोइटस के ड्यूरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग कोइटस, ओके बेटा, कोइटस के ड्यूरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये कॉन्डोम्स हैं, इनसाइड कॉन्डोम, ये हमने किस पे इरेक्ट, पेनिस, सॉरी सॉरी, ये पेनिस है अंदर, और इसके ऊपर कवरिंग किसकी है, ये क्या है, कॉन्डोम है। तो ये जो क्या क्या करेगा, ये एंट्री को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमन, प्रिवेंट इंसेमिनेशन, प्रिवेंट इंसेमिनेशन। अगर इंसेमिनेशन बेटा नहीं होगा, अगर इंसेमिनेशन नहीं होता है, तो अगर इंसेमिनेशन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या सीमन फीमेल एफआरटी के अंदर पहुंचेगा, एफआरटी के अंदर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो ये हमें किस किस से प्रोटेक्शन देता है, प्रिवेंट इंसेमिनेशन, प्रिवेंट इंसेमिनेशन, ओके, एंड प्रिवेंट फ्रॉम STI, STI क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फेमिडोम्स जो आते हैं वो भी कुछ इस तरीके से आते हैं, एक साइड से कवर्ड आते हैं, दूसरी साइड से कुछ इस तरीके से आते हैं, और इनको फिंगर में पुट करके वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, वेजाइना के अंदर इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ये क्या है, कुछ इसी तरीके के आते हैं, जस्ट इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे इस शेप के आते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसी शेप के आते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेमिडोम्स, फेमिडोम्स, ओके। एंड ये डायफ्राम, वॉलेट एंड सर्वाइकल कैप्स, ये भी किसके मिलकर बने हैं बेटा, रबर, रबर एंड लेटेक्स से मिलकर बने हैं, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल
इनको अपन रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, रीयूजेबल होते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये रीयूजेबल होते हैं और इनको क्या है, जो सर्वाइकल कैप्स है सर्विक्स के ऊपर पुट किया जाता है, कुछ ये इस तरीके के होते हैं, इनको किस पे लगाया जाता है, सर्विक्स के अंदर फिट किया जाता है। ये वाला सपोज ये पार्ट है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये फीमेल वाला, ये सर्विक्स है, इस सर्विक्स के ऊपर इसको पुट किया जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको पुट कर लिया जाता है। किसकी हेल्प से इनको पुट किया जाता है, इनको कुछ क्रीम्स आती हैं, क्रीम्स की हेल्प से इनको अंदर की तरफ पुट किया जाता है, वॉश करके अपन इनको रीयूजेबल होती हैं, डायफ्राम, वॉलेट एंड सर्वाइकल कैप्स। बट ये इन्फेक्शन के लिए ये फुल्ली कॉन्डोम्स जो हैं ये फुल्ली प्रिवेंटेड हैं, इंसेमिनेशन के लिए प्रिवेंटेड हैं और एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए भी प्रिवेंटेड हैं। रीयूज़ नहीं कर सकते, रीयूजेबल नहीं होते हैं, ठीक है, इनको अपन रीयूजेबल कर सकते हैं, इनको अपन रीयूज कर सकते हैं, डायफ्राम, वॉलेट्स एंड सर्वाइकल कैप्स को। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कॉन्डोम्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। मेल कॉन्डोम कौन सा, निरोध, एंड फीमेल कॉन्डोम को हम क्या बोलते हैं, फेमीडोम्स बोलते हैं। इनको फिंगर के थ्रू इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द वेजाइना एंड देन इनको वापस फिर निकाल लिया जाता है, बट सबसे सेफ है ये। अब इनसे भी एडवांस मेथड है, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था बेटा, सबसे पहला मेथड हमने देखा था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर हमने देखा कोइटस इंटरप्शन, सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन अमिनोरिया, ये थ्री फेजेस देखे थे। अब इनमें थोड़ा बहुत फिर भी रिस्क है, जैसे इसमें क्या रिस्क है कि गलती से अगर हम इंटरप्ट नहीं कर पाए, हम पेनिस को विड्रॉ नहीं कर पाए तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेज हैं, इंसेमिनेशन होने के चांसेज हैं। सेकेंड मेथड इज द सेफ पीरियड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टडी की, आपने सेफ पीरियड को देखा कि ये सेफ पीरियड है, बट मे बी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो गया किसी वजह से, साइकिल शॉर्ट या लॉन्ग हो गई, तो उस ड्यूरेशन में भी खतरा होता है। लास्ट एंड फाइनल लैक्टेशनल अमिनोरिया, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स तक तो होती है, लेकिन क्या पता चला कि यहाँ पे बच्चे ने ब्रेस्ट फीडिंग की 3 मंथ्स तक की और वापस से पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो इसमें भी क्या है, खतरा है। इससे एडवांस आते हैं बैरियर मेथड्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर कॉन्डोम्स हैं एंड वॉल्ट्स हैं, डायफ्राम्स हैं एंड सर्वाइकल कैप्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं, रबड़ की ही ये सारी डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। अब बेटा अपना अगला मेथड आएगा केमिकल मेथड। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट और कैसे केमिकल मेथड्स के थ्रू कैसे किया जाए, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए एक बार, देन अपन अगला जो हमारा पॉइंट है केमिकल मेथड्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस। हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमने कौन कौन से मेथड्स देख लिए, यहाँ पर हमने बेटा अभी तक मेथड्स देखे हैं कौन कौन से, कॉन्ट्रासेप्टिव में नेचुरल मेथड देख लिए, बैरियर मेथड्स देख लिए, नेचुरल के अंदर कोइटस इंटरप्ट, सेफ पीरियड एंड लैक्टेशन अमिनोरिया, एंड बैरियर मेथड के अंदर हमने कॉन्डोम्स देख लिए, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड डायफ्राम, वॉलेट एंड सर्वाइकल कैप्स, लगभग हो गए। अब अपन आगे चलने वाले हैं, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं केमिकल मेथड्स के बारे में, यहाँ पे क्या यूज़ होंगे। वहाँ पे तो कुछ एक मेम्ब्रेन, अपन ने कोई प्लास्टिक का रबड़ ये सब कुछ यूज़ करके हमने क्या कर दिया, प्रिवेंशन कर दिया फर्टिलाइजेशन होने से, इंसेमिनेशन होने से। अब यहाँ पर अपन केमिकल मेथड्स यूज़ करने वाले हैं प्यारे बच्चे, केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स में क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल मेथड्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स में हम यूज़ कर सकते हैं बेटा पिल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं IUD, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द इम्प्लांट एंड इम्प्लांट इंजेक्शंस, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पिल्स के बारे में, पिल्स क्या होती हैं, टेबलेट्स होती हैं ओरली जिन्हें हम लेते हैं, ओके। अब ये पिल्स भी कई तरह की आती हैं, एक तरह की नहीं होती, ये पिल्स भी अलग अलग वैरायटी की आती हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव
कम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, ये जो कुछ टेबलेट्स होती हैं इनके अंदर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का मिक्सचर होता है। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेस्ट्रॉन पिल ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन पिल ओनली, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन पिल ओनली, पीओपी, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स होती हैं, इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स। अब ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं ये कैसे इफेक्ट करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड एक होती है बेटा जिसे हम बोलते हैं सहेली, टेबलेट का नाम है सहेली, ओके, सहेली होती है। इस ये क्या होती है, एंटी एस्ट्रोजन होती है, एंटी एस्ट्रोजन होती है, ठीक है। वो इंडिया में ही बनी है, कहाँ पे, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ओके, लखनऊ में बनी है। अब ये होती क्या है, किस तरीके से वर्क करती हैं, इनकी फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा कम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। कम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे डिस्टर्ब करता है। ये टेबलेट हम कब खाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेकिंग कॉन्टिन्यू 21 डेज तक हम इनको लेते हैं। जैसे ही आपकी साइकिल स्टार्ट होगी उस टाइम आप इनको लेना स्टार्ट करते हैं और 21 डेज तक आप कंटिन्यूसली लेते हैं, फिर लास्ट में आप छोड़ देते हैं, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो इजी फ्लो में रिलीज हो जाते हैं। पर ये इफेक्ट कैसे करते हैं, ये ओव्यूलेशन को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं भयंकर तरीके से। कैसे इफेक्ट करते हैं, ये पिल्स जब हम कंटिन्यूसली लेते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है, देखो कुछ पिल्स होती हैं जो कैसी होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होगा। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, फोलिकुलर लेवल को इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ठीक करता है, और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन रखने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, ये कैसे न कैसे इफेक्ट करेंगे, LH और FSH को इफेक्ट कर देंगे। अगर इनका मान लो कि लेवल इंक्रीज हो गया, अगर इनका लेवल इंक्रीज हुआ तो ये LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक देंगे। LH एंड FSH अगर कम बनेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने बिल्कुल क्लियरली देखा था ये, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखा था कि जैसे जैसे ये वाला जो ग्राफ है, यहाँ पे FSH है वो डाउन आता है, फिर यहाँ पे FSH डाउन आता है, देन फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है कुछ ऐसे FSH, और LH यहाँ से फिर से क्या होता है, इंक्रीज होना ऐसे चलता रहता है। LH का लेवल, इसका लेवल कुछ इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे LH है। अब इन दोनों को जैसे जैसे मान लो कि एस्ट्रोजन का इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा तो इनका लेवल डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, इनका लेवल डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये भी डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका सीक्वेंस चलता है बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको ध्यान में क्या बात रखनी है, हमें ध्यान में इतना रखना है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन पिल ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन पिल क्या करता है, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है इससे, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, और सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा और उसको होस्टाइल बनाएगा, किसको, एंडोमेट्रियम को। तो ये यहाँ पे अगर हम इसका यूज़ करने लग जाएंगे पिल्स के अंदर तो यहाँ पे इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक हो जाएगा, और ये तो एंटी एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं तो कहानी स्टार्ट नहीं होगी, एस्ट्रोजन को ये ब्लॉक कर देगा, एंटी एस्ट्रोजन है, क्रोमेटाजन बोलते हैं इसके अंदर कौन सा वो यूज़ किया गया है ड्रग, क्रोमेटाजन। एंड इसी के साथ में बेटा अपना ये जो पिल्स है ये कंप्लीट होता है। पिल्स जो है ये उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होती है इनसे, तो हमें पिल्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए, हमें पिल्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो पिल्स से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफेक्ट होती है, नो डाउट। तो ये कितने तरह की हो गई, 1, 2, 3 टाइप्स की पिल्स हो गई, और इनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का ही क्या आता है, अमाउंट आता है, जो कि किसको इफेक्ट करता है, जो इफेक्ट करता है किसको, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नेक्स्ट वन इज द इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, यानी IUDs की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, IUD क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन
डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये आईयूडी काफी कई तरह की होती हैं, ठीक है। ये आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस डॉक्टर इसको डॉक्टर या नर्सेज की हेल्प से कहाँ पे इंसर्ट की जाती है, हमारे यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है, इंसर्टेड पुट इनसाइड यूट्रस बाय हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स और नर्सेज की हेल्प से। अब ये कितनी तरह की होती है, ये काफ़ी तरह की होती है। जो मेनली इसको अपन डिवाइड करते हैं, देखो एक होती है इसको अपन आईयूडी को अपन डिवाइड करते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये क्या करती है, एक फॉरेन उसकी तरह बिहेव करती है। जब ये होता है तो कॉन्सेप्शन होने के चांसेस नहीं होते। एक ये काफ़ी टी शेप की ऐसी सी आती है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर आती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आती है। अब ये कुछ तो होती हैं कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग जिसे हम बोल देते हैं कॉपर टी, कॉपर टी की बात करते हैं, कॉपर रिलीजिंग होती है। कुछ होती हैं हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करती हैं, मेनली प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, ये कुछ ऐसी आती हैं। और ये जो कॉपर टी है, कॉपर टी है ये क्या करती है, कॉपर टी कॉपर आयंस को रिलीज करती है, कॉपर आयंस को रिलीज करती है। और ये कॉपर आयंस क्या करेंगे बेटा, ये क्या करती है, कॉपर टी कॉपर आयंस को रिलीज करती है। और कॉपर आयंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, कुछ इस तरीके की होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कुछ होती है लिप लॉप भी दे रखी है, लिप लॉप कुछ इस तरीके से कवरिंग करके रखती है। अगर ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूट्रस में होती है तो पहले से अगर मान लो कोई फॉरेन ये एजेंट प्रेजेंट है अंदर, तो स्पर्म और उनका वो क्या नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन वहाँ पे नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता यूट्रस के अंदर पहले से ये डिवाइस अवेलेबल है। तो इसी के बेसिस पे अपन ने ये देख लिया, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में हमने देखा, यहाँ पे हमने पिल्स के बारे में भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसी तिल्लियाँ लाइक कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लांट, ठीक है, न्यूरोप्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो ये कुछ ऐसी तिल्लियां जैसी ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, ये भी इनमें भी क्या सीक्रेट करती हैं, ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। इनको फिट कर दिया जाता है इनसाइड द वेजाइना के इनसाइड में, जहाँ पे कोइटस होता है उसके नीचे, स्किन के नीचे इनको पुट इनसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ होते हैं ये इंजेक्शन होते हैं, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन होते हैं, इनकी हेल्प से भी इनमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन यूज यही आएंगे, साइकिल को डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरीके से इन सभी मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे जितने भी हमने मेथड्स देखे, ये सारे कौन से हो गए बेटा, केमिकल मेथड्स। अब एक होता है इमरजेंसी पिल्स होती हैं, इमरजेंसी पिल्स होती हैं। इमरजेंसी पिल्स क्या करती हैं, इमरजेंसी पिल्स जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं अप टू 72 आवर्स। आपने काफ़ी ऐड भी देखा होगा टीवी के अंदर, अनवांटेड 72 इमरजेंसी पिल्स होती हैं, मॉर्निंग पिल्स भी बोलते हैं। ये इफेक्ट करती हैं अप टू 72 आवर्स। इतनी ड्यूरेशन होती है आपने कोइटस करने के, 72 आवर्स के ड्यूरेशन में आप इनको ले लो, तो आपके अगर आप इंटेक करते हैं इन पिल्स को, तो क्या होता है, आगे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि इस ड्यूरेशन में, कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है, ये भी उसको डिग्रेड कर देती हैं। अब यहाँ पे इंजेक्शंस आ गए, ये सारे मेथड्स अपन ने देखे। यहाँ पे इसी के साथ में बेटा अपन वाइंड अप करते हैं केमिकल मेथड्स को। CDRI की फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च
रिसर्च, RESEARCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होगी किसकी, CDRI, इंडिया के अंदर ही बनी है, सहेली एंटी एस्ट्रोजन होती है ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लर्न करनी है। इसी के साथ में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस नहीं है। और बेटा अपना एक पॉइंट और बचता है, ये देखो सबसे पहला मेथड कौन सा हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया। अब लास्ट मेथड बचता है हमारे पास में सर्जिकल मेथड, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, केमिकल मेथड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब अपन ने देखो ये थ्री मेथड्स देखे, देखो फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया, सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया, थर्ड मेथड कंप्लीट हो गया। अब अपन सर्जिकल मेथड की बात करते हैं कि सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्ट्रासेप्शन को रोक सकते हैं, किसी तरीके से अपन फर्टिलाइजेशन होने को रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे सर्जिकल मेथड की, ठीक है। सर्जिकल मेथड की हम बात करने वाले हैं, सर जी कल मेथड, ओके, सर जी कल मेथड, बिल्कुल सिंपल है बेटा। सर्जिकल मेथड बहुत ही सिंपल है, टू कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर वन इज द ट्यूबक टोमी एंड नेक्स्ट वन इज द वेसक टोमी, ठीक है, वेसक टोमी। अब ट्यूबक टोमी और वेसक टोमी इनमें डिफरेंस क्या है, किसमें होगी। अब इस हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, जनरली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्यूबक टोमी किसके अंदर होती है, इन फीमेल्स, ओके, एंड वेसेक्टोमी की हम बात करते हैं इन मेल्स, मेल्स। क्या किया जाता है ट्यूबक्टोमी एंड वेसेक्टोमी के अंदर, ठीक है। ये फीमेल जो पार्ट्स हैं, ये देखो, सपोज दिस इज द जस्ट ए सेकेंड बेटा, यहाँ पे ये मैंने बनाया यूट्राइन लाइनिंग, एंड यहाँ से ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने अराइज की, तो इसको ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। तो इसके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है इसको कट कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, एंड कट करने के बाद में इसको टाई कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ से देन इसको क्या किया जाता है, बाकी का ये वाला पार्ट है इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाता है। जस्ट ए सेकेंड, इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाता है, ओके। ये सिंपल मेथड है बेटा, इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाता है, यही क्या कहलाता है, ट्यूबक टोमी। अब यहाँ पे क्या है, आप करोगे, लेकिन यहाँ पे जो ओवरी है उससे एग जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, एग यहाँ पे एम्पुला तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ से जो इंसेमिनेशन होगा, जो स्पर्म्स होंगे, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और ये वेजाइना है ही, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबक टोमी बोलते हैं। जनरली अगर एक से दो बेबी हो जाते हैं तो उसके जस्ट बाद में ये ट्यूबक टोमी जो टेक्निक है, सर्जिकली जो फेलोपियन ट्यूब है उनको कट कर दिया जाता है, टाई किया जाता है। टाई करने के पीछे रीज़न है कि वापस से रीजनरेट ना हो जाए, वापस से वो आपस में अटैच ना हो जाए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, टाई कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, देन उसे टाई कर दिया जाता है। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के अंदर क्या होगा, जस्ट सिंपल ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट हैं ये क्या हैं, ये हैं टेस्टीज हैं, ये इसके सराउंडिंग में ये क्या हैं, टेस्टीज हैं, इन दोनों को ये क्या हैं, टेस्टीज हैं, और ये पेनिस है, और यहाँ पे ये यूरिथ्रा है। अब यहाँ से ये क्या जा रहा है बेटा, वास डेफरेंस, ये क्या जा रहा है, वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस जा रहा है।
तो इस वास डेफरेंस को यहाँ से कट कर दिया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है, और यहाँ से भी इस वास डेफरेंस को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है। यहाँ से भी ये जो वास डेफरेंस है, इस वास डेफरेंस को क्या किया जाता है, कट एंड टाई, कट एंड टाई, यहाँ से भी इसको कट एंड टाई कर दिया जाता है, ठीक इसी तरीके से, ठीक है, इसको भी कट एंड टाई कर दिया जाता है। क्या करते हैं इसमें, कट फैलोपियन ट्यूब एंड टाई, कट फैलोपियन ट्यूब एंड टाई बांध दी जाती है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दी जाती है यहीं पे। और यहां पे क्या किया जाएगा, कट वास डेफरेंस, वास डेफरेंस एंड टाई, वास डेफरेंस को कट कर दिया जाता है एंड टाई कर दिया जाता है, यानी यहीं पे इसको भी बांध दिया जाता है। तो ये हो गया ट्यूबक्टोमी, ये हो गया वैसेक्टोमी, तो ये हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। तो एक बार करने के बाद मेल्स में तो वापस यहाँ पे क्या होगा, अब इसके अंदर कुछ लोग सोचते हैं कि इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो स्पर्म इरेक्शन ही बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इरेक्शन होगा, इरेक्शन बिल्कुल होगा, क्योंकि स्पर्मेटो टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस के अंदर बन रहा है और वो ब्लड में जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन तो बन ही रहा है ना, तो इरेक्शन और सिर्फ क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नहीं होगा। मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी की जाती है और फीमेल्स के अंदर ट्यूबक्टोमी की जाती है। ट्यूबक्टोमी के अंदर हम फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं एंड टाई करते हैं, वेसेक्टोमी के अंदर हम वास डेफरेंस को कट करते हैं। इसको याद रखने का जो तरीका है वो कैसे है, इन मेल्स के अंदर क्या होता है, वास डेफरेंस होता है, वास डेफरेंस होता है, तो वास डेफरेंस को कट करना वेसेक्टोमी एंड फेलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबक्टोमी। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सिंपली अपन ने बेटा सारे मेथड्स यहाँ पे अब डिस्कस कर डाले, ओके। सबसे पहला मेथड कौन सा था, नेचुरल मेथड था। नेचुरल मेथड के अंदर हमने 3 देखे, बैरियर मेथड के अंदर हमने क्या क्या देखा, कॉन्डोम, डायफ्राम, ठीक है, वॉलेट, सर्वाइकल कैप, ओके। केमिकल मेथड्स के अंदर हमने क्या देखा, पिल्स, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड इम्प्लांट, इंजेक्शंस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को भी हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, वन इज द ट्यूबक्टोमी, ट्यूबक्टोमी एंड लास्ट वन इज द वेसक्टोमी, वेसक्टोमी इन फीमेल, ठीक है, इन मेल। ये दोनों सर्जिकल मेथड है जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे MTPs के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके क्या क्या यूजेज हैं, NCERT बेस्ड हम उसको देख लेते हैं। ये जो 4 मेथड है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बनने के जो सबसे मैक्सिमम चांस है इन दोनों से हैं, ठीक है, इन दोनों से मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन बनने के। जनरली IUDs जो हैं ये जनरली यूज़ की जाती हैं फीमेल्स, किसको, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए जनरली IUDs जो हैं वो यूज़ में ली जाती हैं। ये सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड हमारे दोनों हो गए ट्यूबक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। अब बेटा ये हमारा यहाँ पे इसके साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट होता है। देन हम अब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP जिसको हम बोलते हैं, MTP इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यानी एबोर्सन, एबोर्सन इसके लिए सही टर्म नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, MTP बोलते हैं इन मेडिकल में, और वैसे एबोर्सन होता है यानी कि फिटस को डिसोसिएट करवा देना, डिजनरेट करवा देना और प्रीमेच्योर फिटस की डेथ करवा देना एक तरीके से, ठीक है।
किस वजह से, अब इसके भी कुछ रूल्स नियम्स हैं, किस तरीके से कब की जाती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी, यानी इंड्यूस्ड करवाई जाए, उसको अबॉर्शन करवाया जाए। नियरली 45 टू 50 मिलियन MTP आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर। 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म की जाती हैं एक साल के अंदर, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ टोटल नंबर कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर एंड वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज MTPs और नॉट बी डिबेटेड अपॉन द मेनी कंट्रीज इमोशनल एथिकल रिलीजियस सोशल इश्यू इन्वॉल्व इन इट। द गवर्नमेंट लीगलाइज MTP 1971। गवर्नमेंट ने 1971 के अंदर इसको क्या किया, लीगलाइज किया, लेकिन ये कुछ लिमिटेड केसेस कंडीशन के अंदर ही है। अगर जो फीटस है, फीटस के अगर कोई डिजीज है, किसी तरह की STD है, किसी तरह का कोई और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो उसी केस के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन किया जाता है, ठीक है। विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड द मिसयूज सच रेस्ट्रिक्शंस ऑल ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेक डिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड विच कैन रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, ठीक है। ज़्यादातर हमें ऐसी रिपोर्ट सुनने को मिल के आती है, ज़बरदस्ती किसी के फोर्स करने से इलीगल करवा देते हैं, कि जैसे फीमेल बेबी चाइल्ड है, सेक्स रेशियो के चक्कर में भी ज़्यादातर क्या करवा देते हैं, इसको टर्मिनेशन करवा देते हैं। वाई MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कोजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कोइटस और रेप्स, ठीक है। इन्हीं केसेस के अंदर MTP किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। MTP फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी, फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी में ही इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और या कोई रेप के जो केसेस हैं, इन इश्यूज में इसको यूज किया जाता है। MTP आर ऑल्सो असेंशियल इन सर्टेन केसेस। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी हार्मफुल इवन फेटल आइदर द मदर और फीटस बोथ, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। एक लिमिटेड कंडीशन होती है जिसे में इसको किया जाता है, कब कर सकते हैं अपन, 12 वीक्स तक, ठीक है। 12 वीक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम ये अबॉर्शन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेही है, उसके अंदर मदर और फिटस दोनों की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ऑब्जर्व दैट मेजरली द MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली अनक्वालिफाइड क्वेक्स नॉट टू यू अनसेफ बट कुड बी फेटल टू, और ये ज़्यादातर फेटल भी है, नुकसानदेही भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड टू मिसयूज अमीनोसेंटेंसिस टू डिटरमाइन द सेक्स अनबोर्न चाइल्ड एंड फ्रीक्वेंसी द फिटस फाउंड टू बी फीमेल एंड द MTP, दिस आर टोटली अगेंस्ट दैट वॉट इज लीगल। इसमें कहने का मतलब है कि जो अमीनो सेंटेंसेस करवाते हैं उसके अंदर भी अगर सेक्स का पता चल जाता है तो अबॉर्शन करवा देते हैं, जैसे ही पता चलता है तो MTP के थ्रू उसको रिलीज आउट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अप टू 12 वीक्स तक हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें काफ़ी खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। MTP ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, ये भी एक तरीके से क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि अदर देन द यूट्रस के अंदर अगर मान लो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये एक तरीके की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, आप बेबी नहीं चाहते, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करवाया जाता है, MTP, और ये सब किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं किए जाते। अब अपना चैप्टर का लास्ट लेक्चर बचा है बेटा, इसके बाद में अपना चैप्टर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा, बाइंड अप हो गया मानो कंप्लीट हो चुका है। ये इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिए कि 40 कब स्टार्ट हुई, क्या हुआ, ये सब आप जनरल जो चीज़ें हैं ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना। मेन जो फोकस है MTP का वो क्या है,
अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना 12 वीक्स तक हम इसको कर सकते हैं, उसके बाद में सेफ नहीं है। किस कंडीशन में कर सकते हैं? कोई रेप केस हो गया या फिर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने बोला अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी रेप केस के ड्यूरेशन में कोई भी प्रेगनेंसी होगी, कोई फीमेल प्रेगनेंट होगी, तो उस केसेस के अंदर ही एमटीपी को अलाउ किया जाता है, कुछ लिमिट्स के अंदर ही। ठीक है, कुछ टैबलेट्स भी आती हैं इनकी जिसकी हेल्प से अप टू 12 तक, पर वो जो टैबलेट्स लेते हैं, यूज़ में ली जाती हैं, वो किसके सर्विलेंस में ली जाएगी? डॉक्टर की गाइडेंस में ही वो ली जाती है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बेटा इसमें एनसीईआरटी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मेन बातें हैं वो सारी अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी से ही, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, और इसके बारे में डिटेल आप में अपने मेडिकल अपनी एमबीबीएस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ में अपना एमटीपी ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।